أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. जैसे कि आपको पता है कि जीसी करिकुलम से हमने एक कोर्स एक्सपेक्ट किया जिसका नाम है यूजर सर्विसेज इन लाइब्रेरीज। आज इसका लेक्चर नंबर 8 है जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज क्या होती, उस पर आज हम रोशनी डालेंगे। स्टे विद अस। पहली बात के व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज है क्या? डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज एम्ड एट कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रिजर्विंग एंड डिसिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज से मतलब प्रोविजन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करना, एंड रिसोर्सेज और बहुत सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। और रिसोर्सेज के लिए मकसद क्या हो कि जो आप कलेक्ट कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे, महसूस कर रहे और उसे जो ना फैला रहे, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर। दीज सर्विसेज आर क्रूशल फॉर मैनेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स। ये जो सर्विसेज है बहुत ज़्यादा अहम है, किस लिए? फैसिलिटेटिंग एक्सेस, इंफॉर्मेशन तक रसाई के लिए बहुत ज़्यादा काबिल कदर है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर। जिस लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज हो, डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, फिर डिसिमिनेट कर रहे हो, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन नीड्स यूजर्स की पूरी हो जाती है और इसी से इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। इंश्योरिंग एफिशिएंट एक्सेस टू रिसोर्सेज, प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग एंड प्रिजर्विंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज से मुराद क्या है कि नॉलेज को प्रमोट करना, रिसोर्स तक रसाई देना और कीमती इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना ताकि मुस्तकबिल में इसका इस्तेमाल किया जाए। अब आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस आर डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, तो जो पहला फंक्शन है एक पीजी फाइनेंस के खिलाड़ी, प्रोक्योरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल सच एज बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स थ्रू प्रोसेस लाइक कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग। पहला काम जो डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का है कि एक्विजिशन, डॉक्यूमेंट को एक्वायर करना, उसको कैटलॉग करना। वो बुक फॉर्म में भी होती है, जर्नल्स फॉर्म में भी होती है, रिपोर्ट्स फॉर्म में भी होती है, और दूसरे सरकारी जो इदारों के रिपोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं या ऐसे क्लासिफाइड नॉन क्लासिफाइड आइटम्स, इसी प्रोसेस के अंदर ये कैटलाग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और फिर इंडेक्स करते हैं ताकि यूजर को ढूंढने में आसानी हो। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, असिस्टिंग यूजर्स इन लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग वेरियस सर्च टेक्निक्स एंड डेटाबेसेस। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए लाइब्रेरी के अंदर यूजर्स को मदद फराहम करने के लिए क्या किया है, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनाए गए या ऐसे डेटाबेस बनाए गए जिस पे ये इंफॉर्मेशन को कैटलॉग कर रहे और फिर इसी के जरिए से उसको एक्सेस कराई जाती है। रेफरेंस एंड रिसर्च असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू यूजर्स इन आंसरिंग क्वेरीज, कंडक्टिंग रिसर्च एंड एक्सेसिंग रिसोर्सेज। रेफरेंस और रिसर्च असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक्सपर्ट्स गाइडेंस प्रोवाइड करना, किसको? यूजर्स को। किस बारे में? आंसरिंग क्वेरीज, जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उसी के बारे में बताना। कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च को कंडक्ट करना, उसी का हेल्प करना, एंड एक्सेसिंग रिसोर्सेज और रिसोर्सेज की एक्सेस प्रोवाइड करना। इंटर लाइब्रेरी लोन, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू मटेरियल नॉट अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाई बॉरोइंग फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज आर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी के बारे में मैंने एक पूरी लेक्चर दी है, इससे मुराद ये कि फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू मटीरियल, अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई मटीरियल ना हो उसको फैसिलिटेट करना या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हो उसको बारो करना, अपने यूजर्स की नीड को पूरी करना। और इसके लिए जो तरीके इस्तेमाल होता है इसको क्या कहते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन या डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। डेवलप्ड कंट्रीज में इसी पे बहुत ज़्यादा जो ना अमल किया जाता है, अगर आपकी लाइब्रेरी में यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती दूसरी लाइब्रेरी से चीज़ मंगा देते हैं
और फिर उसको डिलीवर करते। फिर जो चौथा स्लाइड है वो भी फंक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, आर्काइविंग एंड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग हिस्टोरिकल एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स बोथ इन फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्मेट्स। आर्काइविंग और प्रिजर्वेशन से मुराद ये कि आपके पास जितनी डॉक्यूमेंट्स आ जाती है, चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, टू इंश्योर देयर लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी एंड यूजिबिलिटी। लाइब्रेरी का काम क्या है, इनको एक्वायर करना और इसको लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी के लिए प्रोवाइड करना। मेटा डेटा मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मेटा डेटा टू डिस्क्राइब एंड फैसिलिटेट द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन। मेटा डेटा मैनेजमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको आपने टाइटल से, ऑथर से, कीवर्ड से, कॉल नंबर वगैरह से एंटर करना और इसकी जो ना सब्जेक्ट एंट्री कराना, तो उसको क्या कहते हैं, मेटा डेटा मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज का काम क्या है, मैनेज मेटा डेटा और इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्शन में वो मखसूस डॉक्यूमेंट रसाई हासिल कर सके। डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, कन्वर्टिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड फैसिलिटेट रिमोट एक्सेस। डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन से ही मुराद ये कि कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स है जिनकी पीडीएफ वर्जन या वर्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, तो उसको स्कैन करना, उसको पीडीएफ में अवेलेबल करना या दूसरे फॉर्मेट में अवेलेबल करना। ट्रेनिंग एंड यूजर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स टू एनहांस यूजर इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स एंड मैक्सिमाइज देयर एबिलिटी टू यूटिलाइज डॉक्यूमेंट सर्विसेज इफेक्टिवली। अब आपके पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई और अगर आप यूजर को ये ट्रेन नहीं करते कि इनकी जो है ना एक्सेस यानी रसाई कैसे हासिल करे, तो इसके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना, सेशन ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप करना या इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूजर को बताना और उसकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स को मैक्सिमाइज करना ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट को इफेक्टिवली तरीके से रसाई हासिल कर सके। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।